नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल जब भी हम आपस में फोन पे बात करते हैं तो यही बात होती है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है क्या? बहुत सारे लोगों ने पहली डोज लगवाई है और दूसरी का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, वैक्सीन लगवानी भी चाहिए। मैंने कोविशील्ड के दोनों डोज ले लिए हैं। कोवैक्सीन भी जो है अपनी जगह बहुत अच्छी डोज है। हम आम लोग किसी भी वैक्सीन पे अपने कमेंट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम विज्ञानी नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से, जो चीज़ें वैज्ञानियों की तरफ से बताई जा रही हैं, वो चीज़ें गलत नहीं हो सकती। और बहुत जगह पे कोवैक्सीन लगाई जा रही है और बहुत जगह पे कोविशील्ड लगाई जा रही है। और जब हम बात करते हैं तो ये बात ज़रूर बीच में कहीं ना कहीं से आ जाती है कि आपने कौन सी वैक्सीन लगाई है। फिर ये भी चर्चा होनी स्वाभाविक है कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, कौन सी वैक्सीन प्रभावी है। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच अब रूस में तैयार कोरोना वायरस के खिलाफ एक और वैक्सीन आ गई है, ये है स्पुतनिक। भारत में इस्तेमाल के लिए पाने वाली स्पुतनिक जो है वो तीसरी वैक्सीन है। और भारत में अभी तक कोविशील्ड टीकाकरण के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो ही रहा है। और अब जब स्पुतनिक को भी मंजूरी मिल गई है तो इन दो वैक्सीन पर निर्भरता कुछ कम होगी और टीकाकरण में तेजी भी आएगी। भारत में स्पुतनिक भी वैक्सीन को मंजूरी मिली है और ये 600वां देश बना है। इससे पहले कई देशों ने इसको मंजूरी दी है। और चलिए, जिस बात से मैंने बात शुरू की है उस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किस कंपनी ने कौन सा वैक्सीन बनाया है। भारत में जिस तीसरी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक को ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने उपयोग के लिए मंजूरी दी है, इसके नाम दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन होने का रिकॉर्ड दर्ज है। स्पुतनिक भी वैक्सीन का निर्माण रूसी कंपनी कर रही है, लेकिन अब चूंकि भारत में इसका आयात किया जा रहा है, हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी लैब में इसका प्रोडक्शन किया जाने वाला है। स्पुतनिक के अलावा भारत में दी जाने वाली दो वैक्सीन और हैं, उनका भी निर्माण भारत में ही हो रहा है। और कोविशील्ड जो है पुणे में लंबे समय से इसका प्रोडक्शन चल रहा है। स्पुतनिक के अलावा भारत में दी जा रही जो डोज हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रेजेनेका ने मिल के किया है। यही वजह है कि वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका वैक्सीन भी कहा जा रहा है। एक और वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, कोवैक्सीन है वो। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कर रही है। इस वैक्सीन का विकास भारत बायोटेक ने ICMI के साथ मिलकर किया है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि कौन सी दवा असरदार है। भारत में तीसरी वैक्सीन के रूप में मंजूरी पाने वाली स्पुतनिक को अभी तक 600 देशों ने मंजूरी दी है। स्पुतनिक के रूस में ट्रायल के दौरान ये पूरी तरह से सुरक्षित मिलने के बाद ही DCGI ने भारत में इसके उपयोग की अनुमति दी है। हालांकि ये आपात उपयोग की अनुमति है और वैक्सीन का निर्माण करने वाला गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि स्पुतनिक वैक्सीन 91.6% प्रभावी है। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ और एड ऑन कर दूंगी। जो और वैक्सीन है बीमारियों के लिए, लगभग वो भी इतनी ही प्रभावी, उनकी परसेंटेज
प्रभाव की इतनी ही होती है। और वैक्सीन निर्माताओं के मुताबिक स्पुतनिक की पहली खुराक 87.6% सुरक्षा आपको दे सकती है, और जो दूसरी उसकी खुराक है वो कुछ और है, उसके बाद आपको 91.6 जो है उसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा। वहीं भारत में निर्मित कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 81% असरदार पाई गई है। कोवैक्सीन का तीसरे चरण में 25,800 लोगों पर ट्रायल किया गया था। वहीं ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की कोविशील्ड तीसरे चरण के ट्रायल में 80% प्रभाव पाई गई। जाहिर सी बात है, आप जानना चाह रहे होंगे कि इनकी कीमत क्या है। तो अभी तक सरकारी हॉस्पिटल में कोविड का टीकाकरण निशुल्क किया जा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में भी इसका टीकाकरण हो रहा है, जिसमें दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जरिए टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें हर एक डोज की कीमत ₹250 रखी गई है। हर वैक्सीन का डोज लेना आवश्यक है, मतलब दोनों ही वैक्सीन के दो दो डोज होंगे, और टाइम पीरियड जो है वो आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइन में बताया ही जा रहा है। वहीं तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत क्या होगी, इसको लेकर के आधिकारिक जानकारी अभी कोई सामने नहीं आई है, लेकिन लगभग इसकी कीमत जो है 900 से लेकर के 1000 तक की बताई जा रही है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपका नंबर आए, जब भी आपकी बारी आए, तो आप अपना वैक्सीन ज़रूर करवाएं अपनी एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वैक्सीन से आप सुरक्षित हो जाते हैं और आपको इन्फेक्शन का जो डर है वो लगभग कहना चाहिए कि ख़त्म हो जाता है। अगर आप बीमार भी होते हैं तो कुछ हद तक आपको हॉस्पिटलाइज होने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हॉस्पिटलाइज हो भी जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और देखिए, लाइक करने में तो कुछ जाता ही नहीं है, आप लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई हर जानकारी हर व्यक्ति पाना चाहता है। इस नाते आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।